लॉकडाउन में मसीहा बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद बीते कई महीनों से लोगों की मदद कर रहे हैं। गरीब और मजदूरों को घर पहुंचाने की शुरुआत करने वाले सोनू सूद अब लोगों की निजी जिंदगी में भी सहायता करने लगे हैं। लोगों को सोनू सूद से इतनी उम्मीद है कि वो कुछ भी मांग बैठते हैं और सोनू सूद भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं करते। हाल ही में एक शख्स ने सोनू सूद को टैग करते हुए मदद मांगी। संतोष चौहान नाम के एक ट्विटर यूजर ने सोनू से कहा कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले की ऐसी हजारों लड़कियां हैं जिन्हें पांचवी कक्षा के बाद मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। संतोष ने लिखा, सोनू सूद जी, गांव में 35 लड़कियां हैं जिन्हें पढ़ने के लिए 8 से 15 किलोमीटर जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। सिर्फ कुछ के पास साइकिल है। ये नक्सल प्रभावित रास्ता है। डर से इनके परिवार वाले आगे नहीं पढ़ने देंगे। अगर आप इन सभी को साइकिल देते हैं तो इनका भविष्य सुधर जाएगा। संतोष की इस मांग पर सोनू सूद का ध्यान गया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो हर लड़की को साइकिल देंगे। सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा, गांव की हर लड़की के पास साइकिल होगा और हर लड़की पढ़ेगी। परिवार वालों से कह दीजिए साइकिल पहुंच रही है, बस चाय तैयार रखना। सोनू सूद इन दिनों आम लोगों की खूब मदद कर रहे हैं। उनके पास हजारों की संख्या में लोगों के संदेश पहुंच रहे हैं जिस पर उनकी टीम लगातार जवाब दे रही है। हालांकि उनकी मदद करने पर कई लोग सवाल भी उठा चुके हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।